ऑलरेडी क्वाइले डल के रेडी हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग और रनिंग आप देख सकते हो भाई, फिनिशिंग तो अपनी अच्छी खासी नहीं आई, लेकिन हम जो है मतलब बढ़िया तरीके से काम करते हैं, तो फिनिशिंग की कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो चलिएगा, यहाँ पर पूरी बैंडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है आपको बैक साइड से यहाँ पर सिलाई करके यहाँ पर रेडी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर बीच में आपको 10 नंबर का या 7 नंबर का पेपर लगा देना कागज का, और यहाँ पर जो है सिलाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको धागे से ही अच्छी तरीके से सिलाई करनी है, ताकि आपका तार ना हिले और ना खुले। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो है भाई बार्निश क्यों डाली जाती है, बार्निश इसलिए डाली जाती है ताकि भाई आपका तार जो है आपस में मतलब जब इसके अंदर मैग्नेट बनती है तो भाई इसमें वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होने की वजह से तार जो है आपस में मतलब हिलता रहता है और घिस जाता है, घिसने की वजह से जो है शॉर्ट हो जाता है। बार्निश जो है भाई इसी चीज को रोकने के लिए डाली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी बैक साइड से सिलाई कम्प्लीट हो चुकी है, आगे से भी आपको जो है कनेक्शन करके सिलाई कम्प्लीट कर लेनी होगी। ऐसे लीड तो भाई दुनिया हर कोई जानता है लीड कैसे बांधी जाती है। अब जो है यहाँ पर दो तार निकले थे, मतलब ये अपनी स्टार्टिंग का और ये अपनी रनिंग के तार है। ठीक है, अगर आपको भाई लीड बांधनी भी नहीं आती तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो बनाकर किसी अलग वीडियो में। तो भाई अपनी जो कुछ इस तरीके से हमने टाई बांध दी है, अगर आपको भाई टाई नहीं है तो आप धागे से बांध सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छा, और यहाँ पर आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, और भाई आप यहाँ पर भी एक चीज की गलती करते हो बहुत बड़ी वाली, आप जो यहाँ पर बहुत टाइट तरीके से बांधना होगा ताकि आपका ऊपर से तार खींच के ना सूते। ठीक है, अगर तार सूत के भाई टूट जाता है तो आपकी जो है मेहनत बेकार हो जाती है सिलाई करने की, तो इसलिए भाई अच्छी तरीके से ही सिलाई करें। ठीक है, ताकि आपका तार ना सूत पाए। और आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी कंप्लीट सिलाई हो चुकी है, और यहाँ पर अब सिलाई होने के बाद यहाँ पर अच्छी अच्छी मतलब फिनिशिंग जो है थोड़ी थोड़ी आने लगी है। भाई वैसे देखा जाए तो फिनिशिंग से कोई मतलब नहीं होता, बस आपका जो है काम बढ़िया होना चाहिए, आपको मतलब पेपर भी बढ़िया तरीके से लगाना चाहिए और तार भी बढ़िया तरीके से ही लगाना चाहिए, ताकि भाई मतलब कोई गुंजाइश ना हो किसी भी चीज़ से, मतलब है भाई मोटर फूकने की कोई भी गुंजाइश ना हो। ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्शन कुछ इस तरीके से होंगे, अपने नीचे वाले जो है अपने कोई भी स्टार्टिंग का कोई भी एक रनिंग का तार आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, और जो रनिंग का और स्टार्टिंग के एक एक तार और बचेंगे उन्हें अपने कंडेंसर में लगा लेना। तो भाई चलेगा, आप जो बचेगा उन्हें भाई आपको कंडेंसर में लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप वीडियो में क्लियरली आप देख सकते हो मैंने कैसे कैसे तार जोड़े हैं, और यहाँ पर जो है अपने लाइट के तार दे दिए जो मैंने रनिंग स्टार्टिंग